मंडी शहर के जवाहर नगर खलियार में स्थित गुरु रविदास मंदिर में गुरु रविदास महाराज का प्रकाशोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रकाशोत्सव का आयोजन संत रविदास समाज कल्याण समिति के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के संयोजक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की और गुरु रविदास मंदिर में माथा टेक कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी नंद आजाद ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संत रविदास समाज कल्याण समिति की ओर से सबके सहयोग से हर वर्ष गुरु रविदास प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। गुरु रविदास महाराज का जो काम जो है, मतलब जयंती हम हर साल तो मनाते हैं और इस साल भी हमने पूरे जोर शोर के साथ पूरे मोहल्ले वालों के साथ हमने इनके सहयोग से इस आयोजन को हमने संपन्न किया और पूरा सहयोग है सभी का। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु महाराज की गुरुद्वारे की तरफ अपना योगदान नहीं देता। तन से, मन से, धन से सभी गुरुद्वारे इसमें योगदान करते हैं, तभी ये गुरुद्वारा जो है इतने प्रगति पर हो रहा है। इस अवसर पर दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के संयोजक व पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने सभी श्रद्धालुओं को रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव की बधाई दी। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रविदास जी महाराज ने सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी थी और ऊंच नीच व छूत अछूत को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से गुरु रविदास जी महाराज के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की ताकि समाज में एकता और भाईचारा बना रहे। आज पूरे संसार में गुरु रविदास महाराज की प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और मंडी जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये आयोजन हो रहे हैं। आज मंडी जिला के जिला मुख्यालय जहां हम यहां पे गुरु महाराज की गुणगान यहां हो रहा है। इसके साथ साथ गुरु महाराज के श्रद्धालु आज यहां पहुंचे हैं और यहां की प्रबंधक कमेटी तुलसीनंद आजाद और इनके तमाम पदाधिकारी पिछले लंबे अरसे से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़ के जोगिंदर नगर में, सुंदर नगर में, करसोग में, सरका घाट में और दूसरे बल में, नेर चौक में, रिवालसर में, हर जगह यह आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, आज लगभग दो या तीन दिन पहले से प्रभात फेरियां निकाली गई पूरे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकाली गई। पिछले कल शोभा यात्राएं थी, आज लंगर है, भजन है, कीर्तन है। लेकिन उसके बावजूद जो आज देश में जो आज घटना घटी हमारे देश में जम्मू कश्मीर में, तो उस लाइन पे भी आज जो श्रद्धांजलि दी गई सारे जो हमारे शहीद हुए वहां पे, जो हमारे सैनिक मारे गए, तो उसके लिए भी आज हमने शहीदी दिवस के रूप में गुरु महाराज के दरबार में आके नमन किया और उन शहीदों के साथ, उनके परिवार के साथ हमारा पूरा समाज खड़ा है। और हम गुरु रविदास महाराज जिन्होंने कर्म के उद्देश्य को लेकर आगे लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक समानता को लाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा था, कर्म किए जा, कर्म की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये सारा जो हमारे काव्य ग्रंथ है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे गीता है, जिस तरीके से सृष्टि रचैया हुए महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने भी गुरु रविदास और गुरु नानक देव जी, ये जो काव्य ग्रंथ है हमारे, वहां पे भी गुरु रविदास की वाणियां अंकित है। छुआछूत को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज सबने हमें संकल्प लिया और हम चाहते हैं कि पूरा समाज इकट्ठा होके भाईचारा कायम हो। कुछ लोग समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, समाज में बहुत, उन लोगों को भी हमने आज नमन, यहाँ भगवान के दरबार में आके नमन किया कि उनको भी सद्बुद्धि लगाए और समाज में एकता और भाईचारा बनाए। आज तुलसीनंद आजाद बहुत अनुभवी इंजीनियर है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और इन्होंने प्रेरणा ली गुरु महाराज से कि गुरु महाराज ने कहा थे कर्म करो, कर्म, तो इन्होंने जो आज अनूठी यहाँ मिसाल पैदा की है, बहुत सुंदर जो मूर्ति बनाई है गुरु रविदास महाराज की, ये मंडी जिला में ही नहीं पूरे हिमाचल में एक मिसाल है।
तो हम चाहते हैं गुरु रविदास के कर्मों के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। वहीं चमन राही ने संत रविदास समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी नंद आजाद व उनकी कार्यकारिणी को बधाई भी दी। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। एच टुडे के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।